हाय गाइस, ये है एक वीडियो कैंपिंग से रैंक पुश कैसे करें। मैं सेकंड वीडियो भी बनाऊंगा इसका पार्ट टू। अगर इस वीडियो पे आए पूरे 5 लाख हाउ टू रैंक पुश बाय रशिंग, तो वह इसके लिए देख लेते हैं क्या क्या करेक्टर्स चाहिए और पैट्स चाहिए। सबसे पहले हमें एक चाहिए एक हीलिंग करेक्टर, जिसकी आलोक हो गया, जोटा हो गया, A124 के करेक्टर, तो वही हमने ले लिया है आलोक। सेकेंड एबिलिटी हम ले सकते हैं जोटा की। जोटा की बहुत अच्छी एबिलिटी, क्योंकि वो शॉर्ट गन और SMG से 40 किल करने पर 40 HP देता है। और अगर हम थर्ड HP की बात करें तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसकी हम ले सकते हैं मैक्सिमम की, वो मैट किट और मशरूम जल्दी जल्दी खाएगा, जिससे हमारी हेल्थ बढ़ेगी। कैंपिंग में सारी हेल्थ का खेल है, क्योंकि हमें हेल्थ बहुत चाहिए होती है, क्योंकि हम जोन में भी बैठे रहेंगे तो हम हील करते रहेंगे, तो उससे भी बहुत अच्छी हमारी रैंक पुश हो सकती है। वे देख लेते हैं पैट की बात। अब पैट हमें चाहिए होएगा ऐसा जो हमें मदद कर सके। अब बीस्टन का तो कुछ काम नहीं है, कैंपिंग में ग्रेनेड तो कुछ काम आएगा नहीं, तो हमें लेना होएगा फाल्कन। फाल्कन हम सबसे पहले उतार देगा बाकी लोगों से, तो इससे बहुत मदद होगी कैंपिंग में। अगर हम पहले उतर जाएं और लोग दूसरे बाद में उतरें, उनको हम आराम से मार सकते हैं मुक्के से। तो अब बात करते हैं लोड आउट्स की। तो हमें चाहिए होगा समनर ड्रॉप, फिर बाउंटी टोकन। समनर ड्रॉप लें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें गन्स निकल जाती हैं अच्छी खासी। बाउंटी टोकन में ज़्यादातर अच्छी गन्स नहीं निकलती है। ड्रैगनों बहुत कम निकलने लग गई है। प्रोजा की अगर निकले तो बहुत कम है, मिलते से हम कुछ काम नहीं हो सकता उसका कैंपिंग में। हम मैच स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं। पहली लोकेशन है पीक की वाली छत, मेन घर की। वहाँ पे बहुत कम लोग उतरते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई पीक पे बाद में बहुत अच्छी फाइट होती है। तो भाई आप यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में जाओ, वहाँ पे लेट जाना है, जिससे कोई आपको मार नहीं पाए। आप कॉर्नर में लेट के दिखाता हूँ मैं आपको। इस कॉर्नर में आप लेटोगे तो आपकी एक करेक्टर की बॉडी जो है उसकी छत में थोड़ी सी घुस जाएगी, जिससे थोड़ा करेक्टर आपका लोअर हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं। आपको उतरने के लिए यहाँ से जो साइड में बॉक्सेज हैं इस पर कूदना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से कूदते हो तो बहुत कम डैमेज पड़ेगा, जो आप आलोक लगा के पूरा कर सकते हो। अब यहाँ से आप उतरोगे तो यहाँ पे आपको 2 से 3 गन मिली जाएगी और एक मैट किट। वही आपको सारा लूटने के बाद यहाँ पे आपका जोन आ रखा होएगा, तो आपके पास ज़्यादा अच्छी खासी लूट होगी नहीं, तो आपको बस यहाँ पे घुस के वेट करना है जब तक जोन आ नहीं जाए और जब तक यहाँ पे बंदे नहीं चल जाएँ। मेन होता है कि जोन के साथ साथ जाते हैं बंदे। अब जोन आ जाएगा तो बंदे चल जाएंगे यहाँ से, तो इसका आपको जोन के बाद जाना है। जब जोन चले साथ साथ में, साथ साथ चलो, और पीछे से जो भागता हुआ जा रहा हो उसके साथ में उसको मार दो और उसको लूट लो। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है कि है पीक का बिलबोर्ड। इसके ऊपर बहुत अच्छी कैंपिंग होती है, पर उतरने पे इसके 10 HP बचती है, तो यहाँ पे मिनिमम ही कैंपिंग करें। रूफ ज़्यादा अच्छी है। वो देखो सामने से स्काई विंग से निकल रहा है बंदा, वहाँ पे शायद ऊपर जा रहा है, नहीं नीचे आ गया है। और आपको उसके जो बिलबोर्ड का सेंटर है उस पर लेटना होगा, क्योंकि आप बैठे रहेंगे तो कोई भी आराम से हेड मार के चल जाएगा। यहाँ पे एनिमी दिख रहा है, वो एनिमी मेरे को देख नहीं पा रहा है, मैं उसको देख पा रहा हूँ। अगर मेरे यहाँ पे बाउंटी होता और कोई उतरता तो मैं उसको मार देता आराम से। यहाँ पे आपको यहाँ पे लेटना है बिल्कुल सेंटर में, और ध्यान रहे थोड़ा लेफ्ट साइड में लेटे, क्योंकि वहाँ से घर से कोई भी मार सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लिप की। नेक्स्ट हमारा, अब नेक्स्ट लोकेशन है फैक्ट्री। अब फैक्ट्री के जो दो क्या कहते हैं ना भाई चिमनी, वही फर्स्ट वाली पे उतरे तो बंदे उतरते हैं। अब फाल्कन का ये देखो, ये कमाल है कि बंदे से पहले उतर गया। अब ये उतर गया तो आराम से इसको मार सकता हूँ, ये उतर और उसको हेडशॉट। मेरे पे माउंटी होता तो आराम से मेरे को गन मिल जाती, इसको भी मार देते हैं। पर अगर हम समनर ड्रॉप लेके आते हैं और किल करते हैं, समनर ड्रॉप बहुत जल्दी चार्ज होता है, जिससे हम यहाँ पे समनर ड्रॉप मंगा के कैंपिंग कर सकते हैं आराम से और सबको यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। हो सकता है आप ऊपर ही रहें, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ही रहें, बाद में उतरे जब जोन आए। देखते हैं अब नेक्स्ट क्लिप की तरफ। नेक्स्ट लोकेशन है हमारी भीम शक्ति का टावर। अब इसके ऊपर अब बाउंटी लिखा है तो अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पे बंदे 2 से 3 तो आ ही जाते हैं कैंपिंग करने के लिए। समन ड्रॉप का यहाँ पे काम कम ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी गिर सकते हैं समन ड्रॉप। अगर आप अच्छे से फेंकें तो ही यहाँ पे गिरेगा, वरना नीचे गिर जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। बाउंटी में मैट गेट निकल सकती है, इससे आप हील कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर की तरफ से कूदे तो 10 HP बढ़ेगी बचेगी, और बाहर की तरफ से कूदे तो आप मर जाओगे। अब इसके बाद की लोकेशन है नीचे वाला घर। इसके ऊपर कैंपिंग करोगे तो भाई ऊपर वाले जो लोग होते हैं उनके पास गन्स होती है, उनका एम नहीं जाएगा नीचे, और आप नीचे आराम से कैंप लगा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है बुलसाई। बुलसाई के यहाँ पे जो लॉन्च पैड है वो वहाँ पे आपको कैंपिंग करनी है। इसके ऊपर ट्रक के ऊपर चढ़ना है, मैं गिर गया वहाँ पे, मेरे को ग्लू वॉल दिखी, ग्लू वॉल लूट लेता हूँ पहले जाके मैट किट पर ग्लू वॉल। अब आपको इस ट्रक के ऊपर चढ़ना है।
आप स्कोप खोल लीजिए गन का, जिससे आराम से जंप कर सकें। आपको इस सेकंड वाले ट्रक के ऊपर जंप करनी है और इसके बिल्कुल कॉर्नर से आपको उसकी छत पे चल जाना है और यहाँ पे लेट के कैंपिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे जब ब्लू जोन आता है तो यहाँ पे बंदे बहुत आते हैं और भगते हुए जाते हैं सीधा कोच सेवा की तरफ पे। अगर आप यहाँ से लेट के सबको मार दोगे तो आसानी से आपकी रैंक पुश हो जाएगी, यहाँ पे कोई आपको नोटिस भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लू जोन के आसपास लोग देखते नहीं हैं, सीधा बचने की ट्राई करते हैं। तो अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्लिप की तरफ। अगली लोकेशन है कोत्सिवा और ऑब्जर्वेटरी के बीच में जो लॉन्च पैड पड़ता है, वहाँ पे आप आराम से ऑब्जर्वेटरी के छत पे जा सकते हैं। जो ऑब्जर्व यहाँ पे जो टावर है, पहले आप इसके ऊपर जा सकते थे पर वो गरीना ने ट्रिक बंद कर दी है। मैंने खुद ट्राई करी है बहुत बार, मेरे से नहीं हुई है। तो आपको इस जगह पे आपको 2 से 3 गन तो मिल जाएगी और एक हो सके तो लॉन्ग रेंज गन भी मिल ही जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 शॉटगन मिल चुकी है मेरे को। अब मैं यहाँ पे उसको ध्यान से देखना कि किस पोजीशन में उसको सेट करूँगा लॉन्च पैड को। मैं जूम कर देता हूँ उसको, ध्यान से देखना। और ये ग्लिच हो गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा से ट्राई करेंगे। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको किस पोजीशन में मैंने सेट किया है लॉन्च पैड। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ऑब्जर्वेटरी की छत पे है। आप यहाँ पे जाएंगे और आपके पास एक लॉन्ग रेंज गन होगी, तो आपके ऑब्जर्वेटरी के सारे बंदों को आप आराम से मार सकते हो। यहाँ से बाउंटी टोकन भी निकाल सकते हो, यहाँ पे आप समय ट्रॉफी मंगा सकते हो। यहाँ पे ज़्यादातर वैसे जोन बनता नहीं है, मैंने आपको सारी इजी प्लेसेस भी बताई हैं जिससे आपके पास आराम से जोन आ जाए और आपकी रैंक पुश आराम से हो जाए। बाद में आपको ये कहने को नहीं मिले कि आप एलिमिनेट हो गए और बंदे ने आपको मार दिया जब आप उधर हैं। तो देखो मैं इसको आराम से मार सकता हूँ, पर मेरे को क्लिप बनानी है अगली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। तो ये आ गए हम उसी बुलसाई के लॉन्च पैड की तरफ और इसमें हमें जाना है एक घर के, और ये बंदा यहाँ पे मेरे को परेशान कर रहा है, इसको आराम से मार देते हैं पहले। ये लग गया इसको एक हेड और मैं इसको लूट कर देता हूँ। अब देखो इसकी पोजीशन देख लो, यहाँ पे एक टैंक है, ये तो गलती यहाँ पे मैंने पेड़ की तरफ कर दिया था, ये टैंक के ऊपर ही करना है। और ये आप यहाँ से आपको बिल्कुल यहाँ पे आपको लेट भी सकते हो, कोई भी नोटिस नहीं करेगा बिल्कुल भी। गाड़ी है, इसको एनिमी मान के मैं शूट करके बता रहा हूँ भाई, यहाँ से मार सकते हैं सबको। आप जोन लगभग ज़्यादा तो बनता नहीं है पर बन जाता है, बहुत जोन बन। इसके पीछे डबल डोर था, आप उसके ऊपर लैंड कर सकते हो आराम से और कैंपिंग कर सकते हो वहाँ पे भी। तो ये थी आपकी सबसे इजी और बेसिक कैंपिंग प्लेसेस जहाँ पे आप आराम से कैंप करके रैंक पुश कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं हाउ टू रैंक पुश बाय रशिंग एंड सेफ प्लेइंग, तो उसको वीडियो को लाइक करते हुए जाना। 5 लाइक है मैं, पूरे 5 लाइक्स ज़्यादा हैं पर कर सकते हैं, देखते हैं कितने होते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।